भी घर पेंट कराने की बात आती है तो हम घर की तीनों औरतें, मैं, मेरी सास और मेरी बेटी कुहू, तीनों खुश हो जाते हैं। लेकिन विजय, उनके चेहरे पर 12 बज जाती है। विजय के चेहरे पर 12 बजने की भी एक वजह है, लेकिन वो वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हम तीनों को पेंटिंग कराने में क्या मजा आता है। मुझे तो पेंटिंग की खुशबू इतनी ज्यादा पसंद है कि पेंटिंग के बाद मैं 2-3 दिनों तक रूम फ्रेशनर स्प्रे ही नहीं करती। और मेरी बेटी कुहू, उसके लिए तो मानो घर पिकनिक स्पॉट बन गया हो। गद्दे को जंपिंग बैग, डाइनिंग टेबल को अपनी कार, और जो वो खिलौने भूल चुकी है उसके सामने आ जाए तो वो खुशी के मारे झूम उठती है। मम्मी जी ने जैसे ही सुना कि घर में पेंटिंग होने वाली है, वो उनके शेड्स कार्ड लेकर लिविंग रूम में आ गई। जानते हैं ये शेड्स कार्ड क्या है? उनकी साड़ियाँ। मैं और कुहू सोफे पर बैठे और मम्मी जी दीवारों पर साड़ियाँ बदल बदल कर शेड्स दिखाने लगे। मैं और कुहू शेड्स डिजाइन करते गए और मम्मी शेड्स चेंज करती गई। मम्मी जी की खास बात ये है कि वो रिजेक्शन से घबराई नहीं। जब उनकी साड़ियाँ खत्म हो गई तो उनकी शादी की पुरानी साड़ी की पुटली बाहर लेकर आ गई और दोबारा हमें शेड्स दिखाने लगी। कुछ देर में घर ऐसे लगने लगा जैसे साड़ी की दुकान हो। मम्मी जी की तमाम कोशिशों के बाद हम दोनों ने लाइट ब्लू कलर को ओके किया और फिर मम्मी जी ने एक कुशल दुकानदार की तरह हमें लाइट ब्लू कलर से पेंट कराने के फायदे भी बता दिए। घर ठंडा रहता है, आंखों को चुभता नहीं है, वगैरह वगैरह। कलर सिलेक्ट करने के बाद हम घर की तीनों औरतें विजय का इंतज़ार करने लगी। रोज की तरह आज भी विजय घर लेट आए। खाने के बाद जब मैंने उनसे कहा कि हमने इस बार घर पेंट कराने के लिए लाइट ब्लू कलर चुना है, जैसे ही विजय ने पेंटिंग का नाम सुना उनके माथे पर तनाव की एक लकीर खिंच गई, यानी फिर से मेरा कोई सामान गायब। मेरी समझ में नहीं आया कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। पिछले साल सिर्फ एक फाइल ही तो खोई थी, उसके अलावा तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनका कोई सामान खोया हो। विजय ने टोंट मारते हुए कहा कि वो फाइल भी लाइट ब्लू थी, जो पिछले साल से लेकर अब तक नजर नहीं आई, जिसका कोई बैकअप भी नहीं। मैं विजय का सामान बड़ा ही संभाल कर रखती हूँ और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको उनके कहने से पहले उनका हर सामान समय पर दे दूँ। लेकिन उस दिन उस फाइल को लेकर जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्या एक फाइल खोने से विजय मेरी सिंसियरिटी पर सवाल खड़ा कर देंगे? मैंने मन ही मन फैसला किया कि वो फाइल तो मैं ढूंढ कर लूँगी। आखिर था क्या उस फाइल में ऐसा जिसका कोई बैकअप नहीं? अगले दिन मैंने विजय को नाश्ता कराया, टिफिन दिया, कुहू को स्कूल भेजा और मम्मी जी नाश्ता करके सत्संग चली गई और मैं जुट गई उस गुमनाम लाइट ब्लू फाइल को ढूंढने में। एक एक प्लास्टिक बैग को टटोला लेकिन कहीं वो फाइल नहीं मिली। फिर घर के दीवानों को खोला, उनकी केविटी को पूरी तरह छानना, विजय की सारी फाइलें खोल डाली। कभी उन्होंने कविताएं करने की कोशिश की थी, वो डायरी भी नहीं मिल रही थी, तो वही फाइल। आखिर कहाँ गई वो फाइल? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? दिन के 12 बज चुके, मुझे जोरों की भूख लगने लगी, घर का सारा सामान फर्श पर आ चुका था। तिनका तिनका उठाकर देखा लेकिन उस फाइल का कोई सुराग नहीं। मुझे डस्ट से एलर्जी, छींक छींक के बुरा हाल हो चुका था। लेकिन फाइल ढूंढने का अभियान एक पल के लिए भी नहीं रुका। किचन में टंकी के स्लैब पर भी एक कर्टन दिखाई दी। मेरे अंदर फिर से एक ऊर्जा दौड़ पड़ी और आनन फानन स्टूल रखकर कर्टन नीचे उतारा। पिछले क्लासेस के वर्कशीट्स, प्रोजेक्ट्स और कुछ किताबों के अलावा कुछ नहीं। अब मैं थक चुकी थी,
फाइल ढूंढने का सारा धैर्य खो चुकी थी। हाथ मुंह धोकर मैं चुपचाप सोफे पर बैठकर आराम करने लगी। तभी एक कौवा खिड़की की ग्रिल पर आकर बार बार काँव काँव करने लगा। मुझे याद आया कि आज मैं पंछियों के लिए पानी रखना ही भूल गई। मैं बाउल में पानी भर ही रही थी कि मेरी नज़र ग्रिल के कोने में रखे एक छोटे से मैले कुचैले फाइल के बंडल पर पड़ी। हालांकि उसमें वो फाइल नहीं होगी ये मुझे पता था, लेकिन कोई भी शंका क्यों छोड़ी जाए। बस इसी सोच के तहत मैंने उस बंडल को खोला। ऊपर की तो फाइल एकदम सड़ चुकी थी, कुछ में तो कीड़े लग गए थे। ऊपर की दो बेहाल फाइलों के बाद एक थोड़ी सी ठीक फाइल मुझे नज़र आई। हालांकि ये काफ़ी फटी हुई थी, लेकिन पहले वाली फाइलों से बेहतर थी। मैंने फाइल तो खोली, उसमें मेरी शादी से पहले की कुछ तस्वीरें, विजय के लिखे प्यार भरे खत और जो चूर कर मैंने विजय को बर्थडे कार्ड्स भेजे थे वो देखा। मैंने कार्ड्स को अलट पलट कर देखा और मुस्कुराते अपनी चिट्ठियाँ पढ़ने लगी। और मैंने उस फाइल के कवर को देखा। फाइल तो धूप और बारिश से बेहाल हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके कवर से नीलेपन का एहसास मिला। मुझे विजय की वो लाइट ब्लू कलर की फाइल मिल चुकी है। मैंने उसी समय कुरियर बॉय को बुलाकर वो फाइल विजय के ऑफिस भेजी। अपने प्यार के इस खूबसूरत लाइट ब्लू कलर को देखकर मेरा मन झूमने लगा था। मुझे फिर से विजय के खामोश प्यार ने यह एहसास दिला दिया था कि उन्हें पाने के लिए मैंने जो कुछ खोया वो कुछ भी नहीं था। उस दिन विजय रोज से जल्दी घर आ गया और उनके चेहरे पे वो खुशी दिखाई दे रही थी जैसे मानो किसी की खोई हुई बेशकीमती चीज़ मिल जाने पर आ गई। और आँखों ही आँखों में वो मुझसे पूछ रहे थे, क्या इस फाइल का कोई बैकअप हो सकता। मैं शर्मा गई। विजय ने कहा, मम्मी घर लाइट ब्लू कलर से पेंट करा ले। मम्मी जी और गुम तो हंस पड़े और मैं शर्माती हुई खड़ी रह गई। नो वो डाइनिंग टेबल को वो कहा।